और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा हादसा यहाँ पर पत्थर खिसकने से हुआ, चार मजदूरों के शव अभी तक निकाल लिए गए हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? पहाड़ जो पत्थर है वो धसने से जहाँ मौत लोगों के दबे होने की सूचना भी लगातार मिल रही है। प्रशासनिक अधिकारी अमला मौके पे है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार वहां पर कार्य अपना कर रही है, प्रशासनिक टीम भी लगातार कार्य कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इस मामले को लेकर के लगातार कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का कल से कहना था, उन्होंने तीन लोगों की मौत की पुष्टि भी की थी, आज सुबह एक आदमी की मौत की पुष्टि भी उन्होंने की है। अब तक चार आदमियों की जो है मौत हो चुकी है, चार मजदूरों की मौत हो चुकी है। कई डंफर और कई पॉपलैंड की मशीनें जो है वो भी इस पत्थर के नीचे दब चुकी हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है, आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और लोग भी होने की संभावनाएं जो है प्रशासन की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट था और जिस प्रकार से हादसा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर जमीन पर आकर के गिरा था। जिस तरह से कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कल मौके पर पहुंचे थे, भिवानी नंदेगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। लगातार उनका कहना यही था कि इस मामले की जांच के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात करेंगे ताकि इस मामले की पूरी जांच हो, क्योंकि जिस प्रकार से खुदाई का कार्य लगातार चल रहा था तो जो जमीन थी उसके नीचे से भी पहाड़ को खोदा जा रहा था। जी बिल्कुल दीपक, इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं, कोई पहला हादसा नहीं, उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया जाता है। और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया पत्थर खिसकने से। कहा जा रहा है कि खनन माफियाओं की गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ है, कुछ अपडेट मिल पाए हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार से भिवानी नंदेगढ़ लोकसभा के सांसद और भिवानी तोशाम की विधायिका किरण चौधरी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा था, कल किरण चौधरी जी ने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि पहले भी इस मामले को उठाया गया था, इस मामले को लेकर के कहा गया था कि मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक पहाड़ खोदा जाना था उससे भी नीचे तक पहाड़ खोदा जा चुका है, जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम रात से लगी हुई है, लोगों को तलाशने का कार्य जो है वहां पर शुरू किया जा रहा है, राहत कार्य लगातार वहां पर जारी है, क्योंकि ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि काफी लोग और भी दबे हो सकते हैं, आधा दर्जन से अधिक लोगों की वहां होने की सूचना जो है लगातार मिल रही। दीपक, आपसे जानना चाहती हूँ, चार शवों को जिस तरीके से बाहर निकाला गया है और कई लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं, तो क्या मुआवजे का कोई ऐलान किया गया है क्या? देखिए, फिलहाल राहत कार्य जारी है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी राहत कार्य जो है किया जा रहा है। कल जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री आए थे, उनका भी यही कहना था कि पहले जो कार्य है वो राहत कार्य का है, जो लोग दबे हुए हैं या जिस प्रकार से आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो कुछ लोग दबे हो सकते हैं तो उनको निकालना पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद ही अन्य कोई डिसीजन जो है सरकार के द्वारा लिया जाएगा। दीपक, जिस समय यह हादसा हो उस समय कई सारे मजदूर काम कर रहे थे, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक कितने लोग गायब हैं या फिर और शव बाहर निकाले जा सकते हैं, जितने लोग घायल हैं उनकी संख्या क्या कुछ है? देखिए, प्रशासनिक अमले का यही कहना है कि अभी जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि वहां पर कुछ लोग थे, क्योंकि डंफर काफी संख्या में वहां खड़े थे, ऐसा भी कहा जा रहा है कि डंफर से कुछ लोग उतर करके नजदीक के जो ढाबे हैं चाय पीने के लिए वहां चले गए थे, या फिर कुछ लोग वहां थे, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अमला जो है लगातार देख रहा है, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि हिसार आर्मी की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, लगातार राहत कार्य जो है वो जारी है, देखा जा रहा है कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि चार डेड बॉडी अभी तक जिस प्रकार से पुष्टि हो पाई है, गृह मंत्री जी ने भी ट्विटर के ऊपर ये जानकारी दी है कि चार लोग जो है इस घटना के अंदर मृत हुए हैं, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी लगातार मिल रही है, जिनका इलाज जो है वो भी करवाया जा रहा है। दीपक, आपसे जानना चाहती हूँ, जो शव बरामद हुए हैं, क्या मृतकों की पहचान हो पाई है, कहाँ के निवासी थे? देखिए, आपको बता दूं कि ये डाडम का एरिया है, डाडम का एरिया कहें या खनन नगरी का एरिया कहें, वहां पर लगातार जो मजदूर हैं वो बाहर के आते हैं, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, वहां से कुछ लोग काम करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो लगातार वही मजदूर हैं वो लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि अभी प्रशासनिक अमले के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है कि वो लोग कहाँ के थे, अभी फिलहाल जो है राहत कार्य के अंदर सभी टीमें फिलहाल लगी हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर लगी हुई है, पूर्ण रूप से हर प्रकार की तैयारियां वहां पर की जा रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से आदेश जारी हुए थे एनटीजीटी की तरफ से कि पहाड़ों को जो है बंद कर दिया जाए, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो ज्यादा हो रहा था, बाद में दो दिन पहले ही ये खोला गया था, जो बिजली के कनेक्शन थे वो जोड़े गए थे और दूसरे ही दिन ये हादसा घटित हुआ है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से
राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है, तो प्रशासन से बात हो पाई है आपकी, कब तक राहत बचाव कार्य चलने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से कल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी ने ये जानकारी दी कि रात का ये दो दिन तक लगातार चलेगा, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि हिसार की जो आर्मी बुलाई गई है, लगातार दो दिन तक सर्च अभियान चलाएगी, देखेगी कि कोई व्यक्ति दबा हुआ ना हो, किसी को राहत की जरूरत होगी तो उसे तुरंत दी जाएगी। यानी कि हॉस्पिटल की टीम भी वहां पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस की टीम भी वहां पर तैनात की गई है, अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे तुरंत से तुरंत उसका उपचार जो है जारी हो सके, चालू हो सके। बिल्कुल दीपक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य भी चल रहा है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, तो ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से दो महीने से यहाँ पर काम पूरी तरीके से बंद था, अचानक से काम दो दिन पहले ही शुरू हुआ, तो काफी ज्यादा ब्लास्ट किया गया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, जिस प्रकार से टीम का कहना है, जो टीम राहत कार्य के लिए पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, प्रशासनिक अमला भी वहां मौके पर पहुंचा है, तो उनका कहना है कि कोई भी कारण हो सकते हैं, ये तो मामला जांच का विषय है, वो बाद में होगा, फिलहाल राहत कार्य जो है वो जरूरी है। राहत कार्य अगर पहले होता है तो वो उसके बाद ही कोई मामले की जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार क्या माजरा था, किसकी वजह से ये पहाड़ दरका है। हालांकि कुछ कहा भी जा रहा है कि प्राकृतिक कार्य भी हो सकते हैं जिस प्रकार से ये पहाड़ दरका है, हालांकि ये जांच का विषय है, जांच जो है होनी बाकी है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि इस मामले पर। जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं और राहत बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही जांच की जाएगी, उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। दीपक, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन शवों को बरामद किया गया है मजदूरों के, क्या मृतकों के परिजनों से आपकी बात हो पाई है, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, फिलहाल सारा का सारा अमला जो है वही डाडम के अंदर मौजूद है, मीडिया भी वहीं पर ही मौजूद है, हालांकि जो व्यक्ति के शव जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है, प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक सरकार और अधिकारी जो है इस मामले के अंदर लगे हुए हैं। वो मजदूरों, आपको बता दूं कि मजदूर जो है वहां से बिहार, झारखंड और यूपी वगैरह से आते हैं, तो वहीं जो यहाँ पर केवल जो है वो लोग परिवार के साथ कोई लोग रहते हैं और कई व्यक्ति बिना परिवार के भी यहाँ पर आते हैं, हालांकि अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो लोग विद परिवार के साथ यहाँ रहते थे या अकेले यहाँ पर रहते थे। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से सांसद धर्मवीर भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी खनन का काम लगातार जारी था, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है इस हादसे के बाद। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, तो शाम की विधायक किरण चौधरी ने भी इस मामले को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उनका कहना था कि वो पहले भी मुख्यमंत्री जी से कह चुकी है कि वहां पर कार्य जो है वो जितना कार्य होना चाहिए था, जितना पहाड़ खोदना चाहिए था, उससे ज्यादा जो है वो लोग खोद चुके थे, इस पर कार्रवाई की मांग उन्होंने पहले भी की थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, बल्कि सरकार का भी फिलहाल यही कहना है कि राहत कार्य पहले है, उसके बाद मामले की जांच की जाएगी, अगर कुछ दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन फिलहाल अभी प्रशासनिक अधिकारियों का या सरकार की तरफ से अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि पहले प्रायोरिटी उनकी यही है कि राहत कार्य जो है वो किए जाए। बिल्कुल दीपक, तो हमारे सहयोगी इस समय दीपक वहां पर मौजूद हैं और लगातार हर एक जानकारी दे रहे हैं आप तक, और लगातार दीपक हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत